हेलो दोस्तों, नर्सरी विजिट में हूँ। जय माँ जानकी नर्सरी के बाहर मैं खड़ी हूँ। चलिए मैं दिखाती हूँ कि इस नर्सरी में अभी विंटर के कौन कौन से प्लांट है। बहुत बार मैं इस नर्सरी में प्लांट के लिए आ चुकी हूँ और इनके ऑनर हैं, मुझे देखते ही पहले मुस्कुराते हैं, फिर बोलते हैं कि बहुत दिन के बाद आए हैं। बहुत दिन नहीं, 15 दिन के बाद मैं आई हूँ, क्योंकि मैं 15 दिन के लिए बाहर गई थी, भांजी की शादी थी, इसलिए जब आई हूँ तो थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ। लेकिन 15 दिन के बाद भी इनके यहाँ नहीं है, यही नर्सरी के ऑनर है और मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि आप 15 दिन के बाद आए हैं, फिर भी जो प्लांट आपको चाहिए वो भी 15 दिन के बाद आपको मिलेगा, क्योंकि अभी ये प्लांट बहुत छोटा है। सीड से हमने रेडी किया है और बाहर से भी मंगाया है तो प्लांट बहुत छोटा है। गुलदाबदी के हमारे पास खुद भी बहुत सारे प्लांट हैं, मेरीगोल्ड के भी प्लांट हैं जो मुझे नहीं चाहिए। डहलिया के कुछ प्लांट बड़े बड़े हैं जिसे ये बेचने में नहीं रखे, इन्हें खुद ही अपने नर्सरी में लोगों को दिखाने के लिए प्लांट चाहिए, इसलिए ये खुद ही अपने पास रखे हैं। और जो डहलिया के मुझे प्लांट चाहिए वो अभी बहुत छोटा है, उसमें पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन से कलर के फ्लावर खिलेंगे, इसलिए मैं अभी इसमें से कोई भी प्लांट परचेज नहीं कर रही हूँ। दोस्तों, बहुत छोटा छोटा प्लांट है और प्लांट का प्राइस भी कुछ ज़्यादा मुझे लग रहा है, 50 रुपये का एक छोटा सा प्लांट है दोस्तों, जिसे अभी फ्लावरिंग करने में तकरीबन 20-25 दिन लग जाएंगे, इसलिए मैं प्लांट नहीं ली हूँ इसमें से। देखिए यहाँ पर रोज़ के प्लांट है, ये भी इन्होंने कटिंग से रेडी किया है और अभी इसमें बहुत से ऐसे प्लांट है जो बहुत अच्छी तरह से ग्रो नहीं किया है, कुछ ही प्लांट है जिसमें फ्लावर खिले हुए हैं, तो मैं रोज का प्लांट भी नहीं ले रही हूँ। और यहाँ देखिए जितने भी गुलदाबदी के प्लांट हैं सभी अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन गुलदाबदी का नेचर होता है ऐसा कि एक बार जब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो जाता है तो दोबारा उसमें कम फ्लावर खिलता है। दोस्तों, दूर से इनका नर्सरी कुछ इस तरह लग रहा है, मैं चारों तरफ नर्सरी में घूम घूम के देख रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी देख रहे हैं कि कहीं से कोई प्लांट मुझे अच्छा मिल जाए जिसे मैं अपने घर ले जाऊँ, लेकिन मुझे कोई भी प्लांट ऐसा नहीं दिख रहा है जो मैं परचेज कर सकूँ। प्लांट का प्राइस भी कुछ ज़्यादा मुझे लग रहा है, 50 रुपये का एक छोटा सा प्लांट है और ये प्लांट सब देखिए अभी कितना डल लग रहा है, तो मैं कोई भी प्लांट इसमें से नहीं ले रही हूँ। देखिए डेंथस के प्लांट कुछ हैं जिसमें फ्लावर खिले हुए हैं, लेकिन ये भी प्लांट बहुत हेल्दी मुझे नहीं लग रहा है। पुटुनिया के भी बहुत छोटे छोटे प्लांट है, इसे फ्लावरिंग करने में तकरीबन 1 महीना लग जाएगा। तो नर्सरी वाले क्या देते हैं अपने प्लांट में जिससे उनका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है दोस्तों, तो ये देखिए काउडेन कम्पोस्ट है और 6 महीना पुराना ये काउडेन कम्पोस्ट है जिसे ये ला करके रखे हैं और इसमें ये धान का भूसी को काट के मिलाए हैं दोस्तों और बहुत मोटा लेयर बना करके रखे हैं और महीने में एक बार इसे ऊपर नीचे कर देते हैं, पानी डाल देते हैं, ये 15 दिन में एक बार इसे भिंगा देने से ये बहुत अच्छी तरह से डीकम्पोस्ट हो जाता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा ये बोरी में मंगाए हैं, तकरीबन ये 20 बोरी अभी गाँव से मंगा करके लाए हैं यहाँ पर और इस तरह से इसे रख दिया है और अपने प्लांट में थोड़ा थोड़ा सा ये कभी कभी इसी तरह से भी डाल देंगे और कभी ये पानी में फुला करके देते हैं, जिस तरह से हम लोग डालते हैं उसी तरह से नर्सरी वाले भी डालते हैं। इस नर्सरी में मैं 15 साल से आती हूँ, इसलिए नर्सरी वाले भैया से बहुत अच्छी तरह से जान पहचान है। मैं उनसे अक्सर पूछती रहती हूँ कि आप क्या डालते हैं जो आपके प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, तो वो बताते हैं कि कुछ भी नहीं, जो आप लोग करते हैं वही करता हूँ, सिर्फ मेरा धरती में लगा होता है और मिट्टी बहुत अच्छा इसलिए होता है क्योंकि मैं टाइम पर काउडन कम्पोस्ट देता रहता हूँ, कभी कभी मिट्टी की गुड़ाई करके DAP डालता रहता हूँ और ज़्यादा मैं कुछ नहीं डालता हूँ। मेरे प्लांट सिर्फ धरती में होने के कारण बहुत अच्छे रहते हैं और केयर भी मैं समय से समय पर करता रहता हूँ, क्योंकि मैं दिन भर यही रहता हूँ और इसी प्लांट की सेवा मैं करता रहता हूँ, इसलिए इनके प्लांट बहुत अच्छे रहते हैं दोस्तों। सभी पॉली बैग में ये खुद कटिंग से रेडी करते हैं, तो देखा आपने कलंचू के भी प्लांट में अभी फ्लावरिंग नहीं हो रहा है और ये सभी इनडोर प्लांट है दोस्तों, जितना भी इनके पास इनडोर प्लांट है इससे तो कुछ ज़्यादा मेरे पास है दोस्तों। तो ये अभी नया यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, इनका 3-4 नर्सरी है लेकिन ये नर्सरी अभी बहुत पुराना नहीं है, यहाँ पे ये 6 महीने पहले से ला करके सभी प्लांट अभी लगा रहे हैं। हिबिस्कस के 1-2 प्लांट में फ्लावरिंग है दोस्तों, देखिए कोलियस के जितने वेराइटी इनके पास है उससे कुछ ज़्यादा मेरे पास है दोस्तों, क्योंकि
अभी हमारे यहाँ कोलियस का उतना डिमांड नहीं है लोगों को, लोगों को सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट चाहिए। मुझे भी फ्लावरिंग प्लांट चाहिए और विंटर की प्लांट चाहिए। डहलिया देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना खूबसूरती से फ्लावर खिला हुआ है दोस्तों, लेकिन ये परचेज में नहीं है। मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है लेकिन ये खुद अपने शो के लिए रखें। पूरी नर्सरी घूमने के बाद मुझे इस नर्सरी से मुझे जो प्लांट चाहिए वो प्लांट नहीं मिला, तो मैं दूसरे नर्सरी जा रही हूँ और वहाँ से मैं प्लांट जो भी होगा ख़रीद करके लाऊँगी और बहुत जल्द मैं आपको वीडियो दिखाऊँगी दोस्तों। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।